तो आज का हमारा विषय है व्हाई न्यूट्रलाइट। कुछ क्विक फैक्ट्स हैं हमारे लिए, जैसे न्यूट्रलाइट पूरे वर्ल्ड का कई सालों से विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स का नंबर वन ब्रांड है। न्यूट्रलाइट सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स में विटामिन का ही नहीं, प्रोटीन भी दुनिया का सबसे ज्यादा सेलिंग एंड सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रलाइट है। न्यूट्रलाइट हेल्दी फैट जो हमने समझा, ओमेगा सप्लीमेंट्स, ओमेगा सप्लीमेंट्स का भी इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड है। न्यूट्रलाइट सिर्फ वर्ल्ड में विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट की हम जब बात करते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें केमिकली सिंथेसाइज्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स या एक्टिव्स यूज किए जाते हैं, जबकि न्यूट्रलाइट में उनके अपने फॉर्म्स हैं, अपने फॉर्म्स जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं, वहां से इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन करते हैं, इनको कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और तब जाकर वो उनके एक्सट्रैक्ट या उनके एक्टिव कंपाउंड्स को अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। इसीलिए वो बनते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स, दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रांड। बट क्या यही एक वजह होनी चाहिए मुझे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए? क्या दुनिया में और अलग कैटेगरीज में नंबर नंबर वन ब्रांड्स नहीं है? जैसे फोन में दुनिया का एक सबसे बेहतरीन फोन का ब्रांड होगा, या कार्स में देयर कैन बी अ वेरी गुड ब्रांड, शूज में दुनिया का एक नंबर वन ब्रांड हो सकता है? तो जस्ट बिकॉज की दुनिया में कई सारी डिफरेंट कमोडिटीज में एक नंबर वन ब्रांड है जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, क्या जस्ट बिकॉज वो एक रीजन हो सकता है मेरे लिए उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का या उन प्रोडक्ट्स पे रिलाई करने का? सो इसको समझते हैं और बेहतर साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू, साइंटिफिक रिसर्चेस के रिजल्ट्स को एक बार रिफर करते हैं। आप में से वो लोग जो बैलेंस डाइट लेते हैं उनके लिए भी हमारे पास कुछ डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो कि जब हम खेतों में किसी फसल को उगाते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उनको वहां से निकालते हैं और गोदाम के थ्रू या मार्केट के थ्रू आप तक पहुंचाते भी हैं, उनमें लगभग लगने वाला जो एक दिन होता है वो जैसे ग्रीन बीन्स के लिए लगभग 10 से 15 दिन में वो आपके पास तक कंजम्पशन के लिए डिलीवर किए जाते हैं। कैरेट्स में भी लगभग 9 से 10 दिन तक लगते हैं आप तक पहुंचने में। आप जानते हैं कि जिन एप्पल्स की आप बात करते हैं वो इस कंट्री के स्पेसिफिक रीजंस में पाए जाते हैं, और अगर आप एक कंट्री के दूसरे रीजंस में रहते हैं तो वहां तक पहुंचने में ये लगभग 10 से 15 दिन का टाइम, या हो सकता है 30 डेज का टाइम भी ले लें। आजकल कोल्ड स्टोरेज में बहुत लंबे वक्त तक फूड ग्रीन्स को और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर किया जाता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ग्रीन बीन्स में लगभग 10 से 15 दिन के बाद उनकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं उनमें लगभग 45% तक की कमी आ जाती है। सिमिलरली अगर आप कॉलीफ्लावर्स या कि गोभी की अगर बात करें तो लगभग 6 से 16 दिन तक अगर उनका स्टोर किया जाए उनमें लगभग 25% तक न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। गाजर जो कि हम बहुत इजीली अवेलेबल है उसमें भी लगभग 9 से 10 दिन में 10% तक के न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। न्यूट्रिएंट्स की कमी आने के कई सारी और भी वजह हैं। दो मेजरली इनकी दो वजह हैं। पहली वजह है कि सॉइल डिप्लीशन। इस समय जमीन की उर्वरक क्षमता शायद उतनी नहीं है जितनी 50 साल पहले या उतनी 100 साल पहले थी। तो आज जो फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी आपको मिलते हैं उनकी न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। दूसरी हमारी कुकिंग प्रोसेसेस। जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं तो हम सब्जियों को हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, फ्राई करते हैं, और ये कुकिंग टाइम है कई बार बड़े लंबे वक्त तक के लिए चलता है। लगभग हम आधे आधे घंटे या 15 मिनट तक के लिए उनको पकाते रहते हैं। हीट में हम ये जानते हैं, हमने विटामिन्स प्रोफाइल के दौरान समझा और पढ़ा भी सही कि हीट से ज्यादातर विटामिन्स डिग्रेड हो जाते हैं, उनमें डिग्रेडेशन आता है, मींस कि उनकी एक्टिव जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप लंबे वक्त तक प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज में कमी आ जाएगी। अगर आप कुकिंग टाइम आपका लंबे वक्त तक है तो लंबे वक्त तक कुकिंग करने से भी क्या होता है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके खाने में खत्म हो जाते हैं। थर्ड थिंग, कई सारे विटामिन ऐसे हैं जैसे विटामिन सी और बी की हमने बात की, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ये पानी में घुलते हैं, कई बार हम सब्जियां काटकर फल काटकर पानी में भी रखते हैं, और पानी के अलावा हम इनको अलग अलग तरह से हाइड्रेटेड सिचुएशंस में यूज करते हैं, उस समय भी कई सारे विटामिन जो है वो माइग्रेट होकर प्रोडक्ट से वाटर के थ्रू वॉश आउट हो जाते हैं। तो एनीवे जब हम पहले ही स्टोरेज कंडीशंस में हमने न्यूट्रिएंट्स लॉस कर दिए, फिर हमारे खाने की विधियों के थ्रू हमने न्यूट्रिएंट लॉस कर दिया, तो जो हमें खाने के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो डेटा बड़ा ही सरप्राइजिंग है। ये स्टडी एक एनालिटिकल कम्युनिटी ने जब ये स्टडी की तो उसने पाया कि बने हुए खाने में या पके हुए खाने में
जो विटामिन प्रोफाइल्स हैं, लगभग 75% 75% ऑफ विटामिन खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान खत्म हो गए। मिनरल्स जो कि इन जनरल बहुत स्टेबल माने जाते हैं, जिन पे कि ह्यूमिडिटी का या टेम्परेचर का या ऑक्सीडेशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीडेशन होता है बट उतना भी फास्ट नहीं, बट खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये पाया गया कि लगभग 54% मिनरल्स भी टाइम के साथ खत्म हो गए। कई सारे फाइटोएक्टिव्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर रह जाते हैं, जिनमें कि पॉलीफिनॉल्स या फ्लेवोनॉइड्स आते हैं। खाना बनाने की प्रक्रिया में वो लगभग नील हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो अगर आप एक ओवरऑल प्रोफाइल को देखें तो लगभग 50% से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपने खो दिए होते हैं खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि ये सॉइल डिप्लीटेड होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स पहले ही फूड में कम होते हैं। तो अगर 10 से 15% आपने फूड में पहले खो दिए, लगभग 50-55% आपने खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान खो दिए, तो लगभग आपने 60 से 70% न्यूट्रिएंट्स इस पूरी प्रोसेस में खो दिए, तो आपको मिलता है बहुत कम। अब फिर से मैं वही सवाल पूछता हूँ कि वाई न्यूट्रोलाइट? क्या अब भी हमें लगता है कि जस्ट बिकॉज की एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? या मुझे अब अपने आप से सवाल करना चाहिए कि सच में जो मैं खाता हूँ क्या वो बैलेंस डाइट है? बैलेंस डाइट के अलावा मुझे ये भी जानना होगा कि इवन जो अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि ये एक बैलेंस्ड डाइट है, तभी भी जो प्रोसेसेस मैं अप्लाई करता हूँ मेरे खाने बनाने के लिए, क्या वो सच में मुझे इन द एंड जाकर पूरी न्यूट्रिएंट रिच प्रोफाइल देते हैं? अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। मैं आपसे न्यूट्रलाइट के और कंपोनेंट के बारे में बात करूं, उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो साल में लगभग एक बार अपने ब्लड प्रोफाइल या अपने हेल्थ का चेकअप कराते हैं? साथ में मुझे ये भी बताएं कि कितने प्रतिशत लोग, आपको लगता है कि लगभग कितने प्रतिशत लोग भारत में ऐसे हैं जो लगभग साल में एक बार अपने ब्लड की प्रोफाइलिंग या अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं? एक बड़ी चीज स्टडी बताता हूँ मैं, अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन जो है, जिसमें लगभग 12% लोग ही अपने साल में हेल्थ चेकअप कराते हैं, लगभग 85% से ज्यादा लोग ये टेस्ट नहीं करवाते। विलेज पॉपुलेशंस में ये ही डेटा जो है, लगभग 95% लोग अपने हेल्थ चेकअप एनुअल रूटीन बेसिस पे नहीं करवाते, लगभग 5% करवाते हैं। अगर हम इनका ओवरऑल एवरेज निकालें पूरे भारत का, तो लगभग 8 से 9% लोग ही ऐसे हैं जो साल में अपनी कंप्लीट हेल्थ चेकअप को करवाते हैं। इनमें से भी काफी सारे लोग जो ऑफिस में या अपने हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से करवाते हैं, हमारे अंदर वो जील नहीं है। उसकी वजह है कि इवन मैं अपने घर पे भी बात करूं तो मेरी माँ से अगर मैं कहूं कि आपने आपका हेल्थ चेकअप कराते हैं, आपकी एक ब्लड प्रोफाइल कराते हैं, तो उनका सबसे पहला डर रहता है कि एक बार अगर ब्लड चेक कराने गए, हेल्थ चेकअप कराने गए, तो कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी डॉक्टर जरूर निकाल देगा। डॉक्टर का काम ही होता है खामियां निकालना, तो वो खामियां निकाल देगा और मैं तो बेहतरीन हूँ। कई बार हमारी सोच की वजह से हम बड़े परेशान होते हैं। हेल्थ की क्रिटिकलिटीज को, हेल्थ में हमारी न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल किस तरह की, हमारी फैटी एसिड प्रोफाइल कैसी है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारी ब्लड प्रोफाइल कैसी है, इस सब के बारे में जानने का हमें अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। और ये हम उम्र के जितने जल्दी शुरुआती पड़ावों में ये काम करेंगे, उतना ही हम बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। डॉक्टर श्याम ने अपनी बात के दौरान कहा कि जिंदगी जितनी होनी चाहिए उतना ही जरूरी है हमारा हेल्थ स्पैन। अगर हमारा हेल्थ स्पैन ठीक है तो हम ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए अब हम और बात करेंगे कि क्यों हेल्थ सप्लीमेंट हमें चाहिए। हम अगर सच में अपने लिए जिम्मेदार हैं तो हमें जानना होगा कि हमारी प्रोफाइल्स हम कराएं, हमारी प्रोफाइल्स में जिन सब्सटेंसेस की कमी निकल के आती है उनके बारे में हम हेल्थ सप्लीमेंट्स लेनी शुरू करें। अब हम हेल्थ सप्लीमेंट्स में, जैसे अजय सर ने अपनी बातों के दौरान कहा कि मार्केट में कई सारे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो इजी मिल जाएंगे आपको, आप बाहर जाएंगे और जाते से ही आपको मिल जाएंगे। बट फिर हम क्यों न्यूट्रलाइट के बारे में बात करते हैं? क्योंकि न्यूट्रलाइट की जो फिलोसफी है वो है प्लांट फॉरवर्ड। हमारा न्यूट्रलाइट का पूरा कॉन्सेप्ट 5 फाउंडेशनल पिलर्स पे टिका हुआ है, जिनमें सबसे पहला आता है प्लांट फॉरवर्ड, दूसरा आता है सेफ एंड प्योर, तीसरा आता है इफेक्टिवनेस, फोर्थ आता है बैलेंस्ड प्रोफाइल, एंड फिफ्थ आता है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। इन पांचों पिलर्स को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है प्लांट फॉरवर्ड इनोवेशन। अच्छा, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फॉर्मुलेशन में तीन तरह के इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हो सकता है जो केमिकली सिंथेसाइज किया गया हो,
केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाया गया हो। दूसरा हो सकता है एनिमल डिराइव्ड, कि हमने पशुओं से, जैसे पशुओं की चर्बी से हम फैट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उस फैट को देना लोगों को शुरू कर देते हैं। तीसरा होता है जहाँ हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया। तीनों कैटेगरीज में से कौन कौन सी तीनों कैटेगरी? केमिकली सिंथेसाइज्ड, एनिमल डिराइव्ड एंड प्लांट ओरिजिनेटेड। इन तीनों कैटेगरीज में साइंस ने प्रूव किया है कि नेचुरल सोर्सेस, प्लांट ओरिजिन, एग्रीकल्चरल सोर्सेस से मिलने वाले तत्व ज्यादा बेहतर होते हैं, आपकी बॉडी में उनकी बायो अवेलेबिलिटी ठीक होती है, उनके उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। आप इसे सभी लोग, चाहे स्पाइसेस के नाम पर, या आप घर पे आने वाली फूल फल सब्जियां, या आप बचपन से अब तक कंज्यूम करते चले आ रहे हैं और आपने पाया कि इनके साइड इफेक्ट्स तो एटलीस्ट नहीं होते आपको, तो ये ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट माने जाते हैं। इसीलिए हम हमारे रिसर्च के दौरान ये इंश्योर करते हैं कि हमारे सारे बॉटनिकल फाइटो न्यूट्रिएंट रिच हों। हम उनकी कल्टीवेशन, उनकी प्रोसेसिंग इस तरह से करते हैं कि उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रिजर्व्ड रहें, खत्म ना हो, और इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि आप तक पहुंचे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में बेसिकली तीन तरह की फिलोसफीज या तीन तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला ग्रीन या क्लीन प्रोसेसेस। जैसे हमने अगर किसी एक्टिव कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन करना है, पर से हमने हल्दी में से कर्क्यूमिन निकालना है या अश्वगंधा में से हमने विथनोलाइट कंटेंट निकालना है, क्योंकि इनके एक्टिव्स जो होते हैं वही आपकी बॉडी में बेहतर रिजल्ट्स या एफिकेसी प्रोवाइड कराते हैं, उनको निकालने के लिए कई लोगों के जो शायद हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते होंगे, जिनमें मिथेनॉल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, एसीटोन नाइट्राइल हो सकता है। हम एमवे में ये इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोसेसेस ग्रीन प्रोसेसेस रहें। ग्रीन प्रोसेसेस में क्या होता है, हम सिर्फ हाइड्रो अल्कोहलिक सब्सटेंसेज ही यूज करते हैं जो कि परमिटेड हैं, जिनमें एल्कोहल आता है और पानी आता है। एल्कोहल को भी हम रॉबस्ट टेस्टिंग के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि उसके रेसिड्यूज प्रोडक्ट्स में ना रहे। रॉबस्ट टेस्टिंग में जब हम बात करते हैं तो लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट पैरामीटर्स पर एक प्रोडक्ट का इवेल्यूएशन किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट सच में बेहतर है, इसमें कोई भी कंटेमिनेंट्स तो नहीं। कौन कौन से कंटेमिनेंट्स होते हैं? अफ्लोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, माइकोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, नॉट्स हो सकते हैं। तो ये लगभग 200 टेस्ट पैरामीटर कंडक्ट करने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स सारे कंटेमिनेंट से फ्री हैं। अगला पॉइंट है, या अगला पिलर है, इफेक्टिवनेस। कोई भी प्रोडक्ट की एफिकेसी स्टेब्लिश कब की जा सकती है? जब वो प्योर हो, किसी भी इम्प्योर प्रोडक्ट में या किसी भी नॉन पोटेंट प्रोडक्ट में जिसकी अपनी पोटेंसी कम है, उससे आप इफेक्टिवनेस प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बहुत जरूरी है कि आप सेफ एंड प्योर प्रोडक्ट का कंजम्पशन करें। तो हमें क्या करना होता है, हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं जिनकी एफिकेसी प्रूवन है, जैसे अश्वगंधा की एफिकेसी प्रूवन है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, सो वी यूज दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन। हम हल्दी की बात करते हैं, हम तुलसी की बात करते हैं, हम इवन हमारे विटामिन प्रोफाइल्स पर से, इवन कैल्शियम की बात करते हैं, सारे हमारे प्लांट सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं और इनकी एफिकेसीज प्रूवन है। एक वर्ड होता है स्टैंडर्डाइजेशन। पर से आप इस बार घर पे, अभी गर्मियों के सीजन है, तरबूज वाटरमेलन खाते होंगे, कई बार आप वाटरमेलन को कटवा कर देखते हैं कि वो लाल है, मीठा है, ठीक है, कई बार आप वो नहीं भी करते। हर बार जो तरबूज आप घर पे लेके आते हैं उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है, उसकी मिठास अलग हो सकती है, उसका टेस्ट थोड़ा सा वेरी कर सकता है, आपको कई बार अच्छा लगेगा कई बार नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा ये होता है कि ये जो वेरिएशन, जो आप हर बार जब एक नए प्रोडक्ट को खरीदते हैं बाजार से, तो उसमें आने वाले वेरिएशन को रिमूव करना। अगर मैं कहता हूँ कि अश्वगंधा, तो अश्वगंधा में एक्टिव पाया जाता है विथनोलाइट कंटेंट। अगर मैंने मेरी प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन विथनोलाइट कंटेंट पे किया है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि साल में किसी भी सीजन में अश्वगंधा की क्रॉप को हार्नेस किया जाए। इंडिया के या दुनिया के किसी भी रीजन से जब हम अश्वगंधा की रूट या उसके एक्सट्रैक्ट को लेकर आए, उसमें पाया जाने वाला विथनोलाइट कंटेंट सेम हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी ना करे, उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स बरकरार रखें, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन। और इसको हम कैसे करते हैं, साइंटिफिकली वैलिडेटेड डोसेस बनाकर भी। जैसे हमें पता होता है कि हम किसी कंपाउंड का कितना कॉन्सेंट्रेशन लें, पर से हम हमारे क्लेम्स में बात करते हैं कि अगर आप एक तुलसी की टैबलेट में, तुलसी में पाया जाने वाला उर्सोलिक एसिड, अगर आप उर्सोलिक एसिड को कंज्यूम करना चाहते हैं हेल्थ बेनिफिट के लिए, तो लगभग आपको 4 mg के आसपास उसे पर डे कंज्यूम करना पड़ता है। और उर्सोलिक एसिड की क्वांटिटी जितनी पाई जाती है तुलसी में, अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो लगभग आपको 100 तुलसी की पत्तियों की जरूरत होगी उतने हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए। तो जब हम प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि इसके डोसेस इफेक्टिव हों,
शरीर में जाकर ये आपको वो फायदे वो बेनिफिट्स पहुंचाएं। फोर्थ पिलर है बैलेंस प्रोफाइल। इसका बड़ा रोल है एक्चुअली, जैसे दुनिया की हर एक कंट्री में वहां की कंप्लाइंस होती है। कंप्लाइंस यूजली वहां की रेगुलेटरी बॉडी डिफाइन करती है। इंडिया में फूड या हेल्थ सप्लीमेंट को रेगुलेट करता है FSSAI। FSSAI ने ICMR के साथ मिलके जो RDA है हमारे रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस की, हमें लगभग कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कितना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कितने न्यूट्रिशन हमें चाहिए दिन में, उनकी एक लिस्ट निकल के आती है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे हर प्रोडक्ट्स में एक्टिव्स जो हैं वो RDA रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। सेकेंड वन थिंग, कई बार प्रोडक्ट्स को लंबे वक्त तक प्रिजर्व करने के लिए, उसकी एफिकेसी बनाए रखने के लिए लोग आर्टिफिशियल, या उसकी सुंदरता और टेस्ट को बढ़ाए रखने के लिए लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। जबकि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट क्राइटेरिया में हम ये इंश्योर करते हैं कि ये यूज ना किए जाए। हमारे हर एक प्रोडक्ट फ्री होते हैं आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर्स स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव से, और ये रिच होते हैं फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स में। फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स लाइक जैसे अश्वगंधा में मेथनॉलाइड, तुलसी में और सॉलिक एसिड, हल्दी में करक्यूमिनोइड्स। जब कंपाउंड फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स में रिच होता है तभी वो बनती है एक बैलेंस प्रोफाइल। फिफ्थ एंड लास्ट इसका फाउंडेशनल पिलर है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। अच्छा, इस एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का बड़ा रोल है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल मतलब आप उसे रीजनरेट कर सकें। आपने एक बार कोई क्रॉप कल्टीवेट की, आपने वो कहावत सुनी होगी कि मुर्गी के रोज से अंडे ले लो, या एक बार मुर्गी को काट के हलाल कर लो। सो यहाँ पे जरूरी किया जाता है कि उस मुर्गी की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। क्यों? क्योंकि जिस जमीन से आप न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इस बार आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी वो मिलते रहे। और अगर आने वाली जनरेशन को मिलते रहे तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे। आप ये इंश्योर करेंगे कि जमीन को उतने ही न्यूट्रिएंट्स वापस दिए जाएं। आप कोशिश करेंगे कि पेस्टिसाइड्स का यूज कम से कम किया जाए। इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल। हम साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी पैकेजिंग सस्टेनेबल हो। पैकेजिंग अगर रिसाइकिल की जा सकती है तो वो की जाए। जितना पैकेजिंग कंपोनेंट हम बनाते हैं, हम जनरेट करते हैं एक साल में, हम उतना ही पैकेजिंग मटेरियल इस कंट्री से वापस भी लेते हैं रीप्रोसेस करने के लिए। हम PCR पे काम करते हैं, विच इज पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। लगभग 30 से 50% कंपोनेंट ऑफ प्लास्टिक, स्पेशली फॉर ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट लाइंस, ऐसे हों जो कि रिसाइकल्ड हों। हम इंश्योर करते हैं कि वाटर की एफिशिएंसी हो और एनर्जी भी रिन्यूएबल यूज की जाए। इनफैक्ट हम आगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट जो कि मदुरई में है, वहाँ हम एनर्जी एंड वाटर की एफिशिएंसी को यूटिलाइज करते हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे समझने के बाद इन पांच फाउंडेशनल पिलर्स को, कि आप क्या आप जानते हैं जब आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, सब्जी खरीदते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं, तो आप उसकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ बना, कैसे बना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि प्रोडक्ट कहाँ डेवलप हुआ, इसके रॉ मटेरियल्स या रॉ इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, हम ये नहीं जानते। आप जो घर पे फोन यूज करते हैं, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग साइट के बारे में तो जानते हैं, बट उसमें यूज होने वाले लगभग 150 कंपोनेंट कहाँ बने, कैसे बने, किस तरह से वो प्रोड्यूस हुए, आप उसके बारे में नहीं जानते। तो हम ज्यादातर चीजों के बारे में नहीं जानते। यही है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का रोल क्या है? ट्रेसेबिलिटी का रोल इस तरह से है कि हम एक मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बेसिकली एक वर्ड है जहाँ पे एक स्पीशीज, या चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल्स हो, अपनी फॉर्म चेंज करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेंढक है, एक मेंढक जब एडल्ट होता है तो वो रिप्रोडक्शन के बाद एग्स प्रोड्यूस करता है, तो उस समय उसकी फॉर्म हुई एग। अगर आप एक अंडे में और एक मेंढक में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिसको एक पूरी मेटामॉर्फोसिस लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता, वो शायद इस बात को लेके, आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो शायद इस बात को लेके बड़ा सरप्राइज रहेगा कि क्या ये सच में यही अंडा बाद में जाके मेंढक बनने वाला है, या इसी तरह से एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो यही एग बाद में टैडपोल्स बनाते हैं, जिनमें देखो आप विंग्स नहीं होंगे, जिनमें पैर नहीं होंगे, बट ये जब और एडवांस स्टेजेस पे जाते हैं तो इनके थोड़े थोड़े पैर निकलने शुरू होते हैं। जब ये फ्रॉगलेट बनाते हैं तब इनमें एक नया डेवलपमेंट होता है, उस समय इनकी टेल भी होती है, बाद में इनकी टेल खत्म हो जाती है और ये एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस समहाउ प्रकृति ने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। इसमें एक भी वेरिएशन अगर हो तो ये पूरी प्रोसेस शायद कंप्लीट ना हो पाए। एग से टेटपोल का बनना, टेटपोल से फ्रॉकलेट का बनना, फ्रॉकलेट से मेंढक का बनना, इस प्रोसेस में 0% मैनिपुलेशन या 0% एरर्स
आती हैं। इसी वजह से ये प्रोसेस सालों साल सदियों से वैसी ही चल रही है, एग से मेंढक का प्रोडक्शन। बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्या ये पॉसिबिलिटी है? द आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज तीन प्रोसेसेस ऐसी हैं जहां पे मेटामॉर्फोसिस के चांसेस कम होते हैं। जैसे पहली प्रोसेस सीड, सीड से हमने छोटा सा पौधा, पौधे से बड़ा पौधा। ये इकनिशिया का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके समझते हैं। ये शुरुआत की तीन स्टेजेस, पौधे का बनना तक मेटामॉर्फोसिस नेचर रेगुलेट करती है। सो ये लगभग 30%, लगभग 25 से 30% प्रोसेस नेचर रेगुलेट करती है। उसकी बाद की प्रोसेसेस जो है वो मैन ड्रिवन प्रोसेस है, जैसे इकनीशिया से उसकी रूट्स को निकालना, उनकी रूट्स को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, अगर उसमें से एसेंशियल ऑयल्स निकालने तो एसेंशियल ऑयल्स का सेपरेशन, उसमें से पाउडर बनाना, इन पाउडर से फिर टेबलेट बनाना, ये सारे प्रोसेसेस मैन मेड प्रोसेसेस हैं जिनमें ह्यूमन इंटरवेंशन हैं, लोग मशीनरीज के थ्रू करते हैं। क्या यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है? यस, मैन मेड एरर्स, इक्विपमेंट मेड एरर्स हो सकती हैं। और अगर किसी भी स्टेज पर अगर कोई एरर होती है तो हमारी पूरी प्रोसेसेस खराब हो जाती है। इट्स लाइक जस्ट बूम, इट्स ब्लास्ट। ये जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेस का स्ट्रिंजेंट होना, इन प्रोसेसेस का बिल्कुल रेगुलेशंस के मुताबिक फॉलो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कभी भी प्रोडक्ट्स को बना नहीं पाएंगे। यही बातों का ध्यान हम रखते हैं हमारी न्यूट्रलाइट क्राइटेरियाज में। न्यूट्रलाइट क्राइटेरियाज में हम ये इंश्योर करते हैं हर एक स्टेजेस पर क्वालिटी चेक लगाकर। क्वालिटी चेक क्या होते हैं? पर से यहाँ पे अगर मैं इग्निशिया से रूट्स लूँ तो मेरे पास रूट्स के स्टैंडर्डाइजेशन होंगे कि रूट्स की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, ये कंटेमिनेंट्स फ्री होने चाहिए, इनमें पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, इनका पाउडर है तो पाउडर का साइज क्या होना चाहिए, इसमें कंटेमिनेशन तो नहीं है, ऑयल कैसा होना चाहिए, ऑयल के एक्टिव कैसे होने चाहिए, उन सभी का स्टैंडर्डाइजेशन और उन सभी का क्वांटिफिकेशन हम हर स्टेज पे करते हैं। और इसी तरह से हम इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको अश्वगंधा का। अश्वगंधा के बारे में कहा जाता है कि अश्वगंधा अगर किसी ट्रॉपिकल रीजन से, जहां पे गर्मियां ज्यादा हो और पानी कम हो, वहां से निकाला जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अश्वगंधा की रूट्स गहराई तक पानी की खोज में जाती हैं, और जब वो नीचे पानी की खोज में जाती हैं तो वो कंडेंस होती जाती हैं, क्योंकि उनमें पानी कम होता है तो वो डेंस होती जाती हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, अश्वगंधा में पाया जाने वाला एक एक्टिव विथेनोलाइट कंटेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाता है, और इन अश्वगंधा की एफिकेसी ज्यादा होती है। पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि आप अश्वगंधा का पूरा प्लांट लें, सुखाएं और उसको पीस के पाउडर बना दें, या सिर्फ अश्वगंधा की रूट को लें और उनसे ही आप एक पाउडर या उनसे ही एक्सट्रैक्ट बना के प्रोडक्ट बनाएं। एक और भी है जहां पे आप पत्तियां और बाकी और प्लांट्स, फ्रूट्स, सभी चीजें यूज कर सकते हैं। इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अश्वगंधा की एफिकेसी, सबसे ज्यादा प्योरिटी कहाँ निकल के आएगी? अश्वगंधा का एक्टिव पाया जाता है उसकी जड़ों में। तो जरूरी है कि जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें तो राइट पार्ट का सिलेक्शन करें, उनको स्टैंडर्डाइज करें। इस स्टैंडर्डाइजेशन को हम करते हैं तीन लेयर टेक्निक से। जैसे आजकल आप देखें तो आपके फोन्स में भी थ्री ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेसेस होती हैं। पहला आप अपने फिंगर टिप से फोन ओपन करते हैं, दूसरा अगर आप कोई बैंक ट्रांजेक्शन भी करने वाले हैं तो वहां पे भी आप एक पासवर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन के दौरान भी आपके पास एक पहले ओटीपी आएगा, आप ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तब जाके आप कि वो ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज के लिए जिस तरह से आपने लगभग एक तीन थ्री मॉडल थ्री लेयर प्रोटेक्शन टेक्निक आपने डेवलप की होती है, इसी तरह की थ्री लेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स या थ्री लेयर्स ऑफ टेक्निक्स फॉर द क्वांटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन हम लोग यूज करते हैं। ये कौन कौन सी है? नंबर वन इज माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, और सेकेंड वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थर्ड वन इज एचपीटीएलसी एंड एचपीएलसी। ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं? पर से किसी भी कंपाउंड में दो तरह के मार्कर होते हैं, एक होता है बायो मार्कर, एक होता है एनालिटिकल मार्कर। जैसे ह्यूमंस, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे चाहे हेयर फॉलिकल्स हो या मेरे नाखून हो या मेरी स्किन हो या मेरा ब्लड हो, सभी का डीएनए लगभग एक ही होगा। तो डीएनए अगर मेरा स्टैंडर्ड, मेरे मेरे अपने आप का रेफरेंस डीएनए अवेलेबल है, और कल को कोई भी सैंपल इस पूरी दुनिया से निकाला जाए तो भी आप ये चेक करके बता सकते हैं कि ये डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता है कि नहीं करता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी तरह से दुनिया की हर स्पीशीज का एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है जो उसके बायोलॉजिकल एक्टिव पे डिपेंड करता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाए। सेकेंड वन थिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मेरा डीएनए तो मैच करेगा, बट आप ये कभी नहीं बता पाओगे कि ये डीएनए आपने मेरी स्किन से लिया था या ब्लड से लिया था या नेल्स से लिया था या हेयर से लिया था।
ये जानने के लिए जरूरी है कि हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशंस भी करें। माइक्रोस्कोप में अगर आप मेरे हेयर फॉलिकल को या स्किन फॉलिकल को रखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है। ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक प्रोफाइलिंग्स हमें किसी भी प्लांट के या किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में ये बताता है कि कौन सा पार्ट हमने यूज किया है। थर्ड और जो कि सबसे क्रिटिकल और सबसे एडवांस टेक्निक है वो है HPTLC NHPLC फिंगरप्रिंटिंग, विच इज कॉल्ड एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत एडवांस इक्विपमेंट है जो CFR कंप्लाइंट होते हैं। CFR इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस जहाँ पे कंप्लीट ऑडिट ट्रेल भी मैनेज की जाती है। ये इक्विपमेंट टेस्टिंग के दौरान हमें बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव पर से। अगेन मैं दोबारा से अश्वगंधा का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा जिसमें हमने बात की विथनोलाइट कंटेंट की। तो विथनोलाइट कंटेंट को जब हम टेस्ट करेंगे HPLC पे HPTLC पे तो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी सारी इम्प्योरिटीज को ये सेपरेट आउट करके बताएगा कि आपका कंपाउंड कितना प्योर है, इसका कितनी पोटेंसी है। तो ये तीन लेयर ऑफ क्वांटिफिकेशन, तीन लेयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं हमारे हर एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसी ट्रेसिबिलिटी की और अगर हम बात करें तो ये क्यों जरूरी है। इस ट्रेसिबिलिटी में बेसिकली तीन और कंपोनेंट आते हैं, जैसे जो न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हैं या न्यूट्रलाइट फॉर्म्स हैं, न्यूट्रलाइट फॉर्म्स में हम न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट क्राइटेरिया के थ्रू ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं। बट हम हमारे फॉर्म्स के अलावा पर से कई सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, कई सारे बॉटनिकल्स ऐसे होंगे जो शायद US में या ब्राज़ील में पाए जाने हमारे हमारे फॉर्म्स में नहीं होते होंगे। इसलिए नहीं कि वो हो नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उनकी बेहतरीन क्वालिटी हो सकता है दुनिया के किसी और देश में हो। जैसे हम बात करते हैं कि संतरे नागपुर में बेहतर होते हैं, एप्पल शिमला में बेहतर होते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया के किस ज्योग्राफी में कोई कंपाउंड बेहतर ग्रो करेगा। और इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ हमने पाया कि हमें कई सारे और भी बाकी फॉर्म्स के साथ या अच्छे किसानों के साथ कोलेबरेट करना होगा, जिसे हम न्यूट्रीसर्ट के थ्रू करते हैं। न्यूट्रीसर्ट हमारी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। बट हम इंश्योर करते हैं कि हमारे कोलेबरेशन फॉर्म्स में भी, हमारे थर्ड पार्टी फॉर्म्स में भी, जहां से हम इंग्रेडिएंट्स अगर खरीदते हैं कोई, वहां पे न्यूट्रीसर्ट ऑडिट्स किए जाएं, उनकी हर एक स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ट्रेसेबिलिटी रखी जाए। इसके लिए हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फंक्शन है जिसको हम ASQP बोलते हैं, सप्लायर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। हम हमारे हर एक सप्लायर की साइट का ऑडिट करके, उनकी प्रोसेसेस को ऑडिट करके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग साइट का ऑडिट करके ये इंश्योर करते हैं कि सारी प्रोसेसेस फॉलो की गई हैं। पहले प्रोसेसेस ट्रांसफर करना जो स्टैंडर्डाइज या डेवलप्ड प्रोसेस हैं, बाद में उन प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूस फॉलो, ये तीनों चीजें हमारे ऑडिट के दौरान हम इंश्योर करते हैं। अब समझते हैं न्यूट्रीसर्ट को। अभी हमने जिक्र किया कि हम जब थर्ड पार्टी फॉर्म्स के साथ काम करते हैं तो हम न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन पे जाते हैं। एक फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रलाइट के लगभग 6,000 एकड़ फॉर्म्स हैं इस दुनिया में, 6,000 एकड़ फॉर्म्स। बट हमारा वर्ल्ड डिमांड जो है प्रोडक्शन की, या वर्ल्ड में जितना कंजम्पशन होता है उस पूरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उसी के साथ ये भी कि दुनिया के किस क्षेत्र में कौन से फाइटो कंपाउंड्स या बॉटनिकल बेहतर तरह से उपजाए जा सकते हैं, उस ज्योग्राफी को समझते हुए भी हमने दुनिया के कई सारे एरियाज में कई किसानों के साथ पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप में उनकी पूरी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम हम न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन के थ्रू करते हैं। ये न्यूट्रीसर्ट एक्चुअली एक टर्म है जिसे एक सर्टिफिकेशन बॉडी जिसका नाम है इकोसर्ट, जो कि फ्रांस में है, उसने डेवलप किया। कैसे किया है इसको भी समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है कि आप में से, अगेन जैसे हमने पहले सवाल पूछा है, लगभग उसी से मिलता जुलता है, कि क्या आपको पता है कि आपके बॉटनिकल्स जो आप यूज करते हैं उनका सोर्स क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। मैं आगे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करता हूँ, साथ में आपके रिस्पॉन्सेज का भी वेट करता हूँ। तो ये कैसे न्यूट्रीसर्ट कैसे डेवलप हुआ, तो न्यूट्रीसर्ट की जब हमने गाइडलाइन डेवलप की तो उसमें बेसिकली पांच बड़े हमने सर्टिफिकेशन बॉडीज और उनकी कंप्लाइंसेस सिस्टम्स को समराइज किया। पहली न्यूट्रलाइट, तो जैसे डॉक्टर कार्ल ने एक जमाने में जब न्यूट्रलाइट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया और उन्होंने न्यूट्रलाइट खेती के तरीकों को उन्होंने ग्रो किया, डेवलप किया, न्यूट्रलाइट के सारे तरीकों, सारी कंप्लाइंसेस को हमने समराइज करके एक गाइडलाइन में जब हमने कन्वर्ट किया, उस गाइडलाइन को ही हम न्यूट्रीसर्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये थर्ड पार्टी ने जो हमारे न्यूट्रलाइट गाइडलाइंस को जब समझा पड़ा, उससे पहले उसने इवेल्युएट किया NPOP जो कि है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो इंडिया का प्रोग्राम है। इंटरनेशनल स्केल पे इसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं NOP, विच इज नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्रामिंग।
दो और भी टर्म्स हैं जिसमें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस गैप और गुड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स किस तरह से आप खेती करते हैं, और फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस मीन्स किस तरह से आप खेती से उन सब्सटेंसेस को लेकर स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इन सभी के जो सर्टिफिकेशन बॉडीज की जो कंप्लाइंसेस है उनको समराइज करके एक बॉडी बनाई गई या एक एक गाइडलाइन बनाई गई, विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रीसर्ट। ये न्यूट्रीसर्ट के थ्रू फिर हम हमारे वेंडर साइट्स पे या कोलेबरेटेड फॉर्म्स पर ऑडिट कंडक्ट करते हैं, उनकी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। सो दैट्स हाउ द न्यूट्रीसर्ट इज डेवलप्ड। न्यूट्रीसर्ट के कुछ एग्जांपल है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये न्यूट्रीसर्ट के सर्टिफाइड फॉर्म्स हैं। अगर आप न्यूट्रीसर्ट के सर्टिफाइड फॉर्म्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रलाइट में हम या न्यूट्रीसर्ट में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये ऐसे एरियो में हो जहां पर इंडस्ट्रीज ना हो, ऐसे एरियाज में हो जहां पर कंटेमिनेटेड एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन ना हो, इंडस्ट्रियल एरिया से रोड से दूर होते हैं ये प्लांट्स। ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स होते हैं, और ऑर्गेनिक फॉर्म्स की भी एक रिक्वायरमेंट है कि लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ऐसा फॉर्म्स नहीं होना चाहिए जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा हो। तो ये पेस्टिसाइड्स से फ्री फॉर्म्स होते हैं। वो लोग जो इसमें काम करते हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन देना, उनको कम्युनिटी को गाइड करना, उनको खेती के प्रिंसिपल सिखाना, उनकी हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखना भी हम न्यूट्रलाइट फॉर्म्स और न्यूट्रलाइट के या न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। एक और एग्जाम्पल है जहां पे हम देखेंगे उन फॉर्म्स के बारे में जिन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कई सारे लोग, दुनिया के हर किसान की शायद ये सपना है कि वो न्यूट्रलाइट या न्यूट्रीसर्ट के साथ जुड़ के हमारे साथ काम करे, क्योंकि जिस तरह से हम उनकी वेलबींग का ध्यान रखते हैं शायद उनके लिए वो एक सपना है। न्यूट्रीसर्ट कई सारे फॉर्म्स को रिजेक्ट करता है जो इंडस्ट्रीज के पास हो, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से उनकी क्वालिटी पर, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज पर असर आएगा। हम धूल मिट्टी वाले इलाके से उनको दूर रखते हैं, हम चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करते, हमारे किसी भी फॉर्म्स में चाइल्ड लेबर नहीं होगा, हम पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के थ्रू ही खेती करते हैं। ये हमारे, अगर ये कंप्लाइंसेस मीट नहीं होती तब हम उन फॉर्म्स को रिजेक्ट करते हैं और न्यूट्रीसर्ट फॉर्म्स में नहीं मानते। बहुत जरूरी है कि ये सब जो आप करते हो, आप लाइट कैटेगरीज के बारे में बात करते हो या न्यूट्रीसर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करते हो, इन सभी के दौरान, या पूरी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी भी रखते हो, इन सभी के दौरान सस्टेनेबिलिटी की जाए, क्योंकि जो भी बिजनेस या जो भी एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है वो लंबे वक्त के बाद या कुछ समय के बाद बिखर जाएगी। सस्टेनेबिलिटी कैसे? जमीन में उर्वरक क्षमता को बनाए रखना, दूसरा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम का ध्यान रखना, जो लोग इन खेतों में या न्यूट्रीसर्ट फॉर्म्स में काम करते हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना, सस्टेनेबल पैकेजिंग को यूज करना, ऐसी पैकेजिंग जो या तो रिसाइकिल की जा सके, या रिसाइकिल अगर नहीं भी की जा सकती तो उनको रिकलेक्ट करके उनसे नए प्रोडक्ट दोबारा बनाए जाए। इस तरह से हम पूरे एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, एनवायरनमेंट के साथ वो लोग जो काम करते हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो एक सस्टेनेबल बिजनेस जनरेट करते हैं। इनफैक्ट इस सस्टेनेबल बिजनेस की चेन में आप और मैं भी आते हैं। हम सभी जहां अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं वहीं अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को भी ग्रो करते हैं। इस तरह से हम अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप में से काफी लोगों को शायद ये पता होगा कि हम भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है हमारी जो ऑपरेट करती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये लैब है, और अगर पता है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि भारत में हमारी कितनी रिसर्च लैब है। संजय जी कहते हैं कि नहीं, और आके मुझे बताइए प्लीज अपने चैट बॉक्स में। ओके, आशा जी बोलते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं पता है इस बारे में। चलिए मैं आपको एक जल्दी से क्विक रिव्यू कराता हूँ हमारी भारत में। ओके, कुछ ने कहा है 4, कुछ ने कहा है 3। ओके, शांतनु कहते हैं 4 लैब है, रमेश जी कहते हैं 4, वेरी नाइस। फराज कहते हैं 4 लैब्स हैं, वेरी नाइस। आई थिंक आप लोग तो पहले से काफी अवेयर हैं। ओके, सो हमारी पूरे भारत में 4 लैब हैं, जिनमें से एक लैब गुड़गांव में है जो हमारी सेंट्रल लैब कहलाती है, एक लैब हमारी चेन्नई में है जहाँ पे हम फूड डेवलपमेंट का काम करते हैं, फूड फॉर्मुलेशन में, जैसे पाउडर्स बना, या पाउडर के अलावा चॉकलेट बार्स या गमीज, या इस तरह की कोई भी फॉर्मुलेशन जो फूड कैटेगरीज में फूड की तरह कंज्यूम की जाएगी वो हम चेन्नई में डेवलप कर रहे होते हैं। हमारी एक बॉटनिकल लैब है जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स डेवलपमेंट का काम करती है, वो बेंगलोर में है, और हमारा एक पायलट प्लांट है जहाँ पे हम स्केल अप कर रहे होते हैं वो मदुरई में। तो हमारी 4
डिफरेंट लैब हैं। अगर मैं बॉटनिकल लैब की बात करूं तो ये हमारी सबसे जरूरी और खास लैब है, क्योंकि जितने भी हमने बॉटनिकल कंपाउंड्स की बात की, सब्सटेंसेस की बात की, वो इसी लैब में डेवलप किए जाते हैं। ये लैब खेती और किसानों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है। वहां से इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करना, ये जो ब्लू इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है ये एचपी टीएलसी इक्विपमेंट कहलाता है। इस एचपी टीएलसी के थ्रू फिंगरप्रिंटिंग करना, कंपाउंड्स की प्योरिटी एंड आइडेंटिफाई करना और बाद में उसको हम तक पहुंचाना, ये इस बॉटनिकल लैब का काम होता है। एक और लैब है हमारी जिसे हम बोलते हैं फूड लैब, ये टाइसल पार्क चीनी में है। यहाँ पे फूड फॉर्मुलेशन डेवलप होती है। जो बॉटनिकल कंपाउंड्स हमें बेंगलोर लैब से मिलते हैं वो चेन्नई तक भी जाते हैं। डिफरेंट कंपाउंड के साथ उनकी फॉर्मेशंस की जाती है और वो फूड फॉर्मेट्स में डेवलप किए जाते हैं। हमारी एक लैब जो है वो जिसमें कि जो गुड़गांव में है, जिसमें ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे आर्टिस्ट्री की अगर आप बात करें या सॉलिड डोजेस फॉर्मुलेशन जैसे आप डेली प्लस की बात करें, ये सारे प्रोडक्ट्स डेवलप हमारी गुड़गांव लैब में किए गए, जिसमें एक ये जो फर्स्ट इक्विपमेंट है दिस इज बायो लेयर इक्विपमेंट, ये दुनिया का सबसे एडवांस इक्विपमेंट है जो दो लेयर वाली टेबलेट भी बनाता है, जैसी है हमारी डेली प्लस टेबलेट। हमारा एक और, जब ये सारी तीनों लैब मिलकर जब बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स बने हैं या फूड फॉर्मेशंस डेवलप हुए हैं या सॉलिड डोजेस फॉर्मेशन डेवलप हुए, इन्हीं को लैब स्केल से बहुत बड़े स्केल पे कमर्शियल स्केल तक ले जाने के लिए हमारे पास एक और फैसिलिटी है जो मदुरई में है, जो ब्रिज की तरह काम करती है कमर्शियल प्रोडक्शंस और डेवलपमेंट, उसे हम बोलते हैं पायलट प्लांट। तो पायलट प्लांट का काम होता है स्केल अप करना, बड़े स्केल पे वही बनाना, जैसे घर पे आप में से कई लोग खाना बनाते हैं 5 लोगों का या हार्डली 10 लोगों का, बट अगर मैं बोलूं कि कल आपको एक बारात का खाना बनाना है जिसमें 500 लोग आने वाले, तो शायद आपका हिसाब खराब हो जाएगा। तो स्केल अप करना मतलब जब बड़े स्केल पर आप उसी प्रोडक्शन को लेकर जाते हैं तो वो काम पायलट प्लांट लैब में होता है। एक और लैब जो गुड़गांव में है वो है एनालिटिकल लैब। एनालिटिकल लैब में हमारे पास दुनिया के सबसे हाई एंड इक्विपमेंट है, ये एक सीएफआर कंप्लाइंट इक्विपमेंट है, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है। इनका काम होता है रॉ मटेरियल्स जो कि बॉटनिकल हो या केमिकल हो, उनको टेस्ट करना, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, और जब रॉ मटेरियल्स क्वालिफाइड हो, उनकी क्वालिटी बेहतरीन हो, तभी वो फर्दर फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं फिनिश प्रोडक्ट। और जब फिनिश प्रोडक्ट भी बनता है तो फिनिश प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग की जाती है। हमने पहले भी बात की कि हम लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट पैरामीटर कंडक्ट करते हैं हर प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टेब्लिश करने के लिए। ये काम करती है एनालिटिकल लैब। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं एनालिटिकल लैब में काम करता हूँ और एक एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा हूँ। एक और फंक्शन है जिसके बारे में शायद आप लोग जानते नहीं, वो है हमारा क्लिनिकल। क्लिनिकल लैब चूंकि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में उसके उसके ऑपरेशंस होते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही सशक्त टीम है। आपने पिछले कुछ दिनों में क्लिनिकल टीम से काफी सारी बातें सुनी हैं, समझी हैं, जिनमें डॉक्टर परिणी जिसे लीड करती हैं। इवन हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो वाई न्यूट्रोलाइट के दौरान हो या मॉर्निंग न्यूट्रिशन के दौरान हो, लगभग हर प्रेजेंटेशन में मिलने वाला कंटेंट हमें वहीं से मिलता है। ये लोग ह्यूमंस पर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और प्रोडक्ट की एफिकेसी डिफाइन करते हैं। पूरे इंडिया में, चाहे वो एम्स हो या आईआईटी मद्रास हो, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये कोलेबरेट करके बहुत बड़े स्केल पे क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि आप तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। जब यही सारा काम लीव स्केल पे हो जाता है, पायलट प्लांट पे हो जाता है, तो बहुत बड़े स्केल कमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए हमें बहुत ही बड़ा कमर्शियल प्लांट चाहिए। ये कमर्शियल प्लांट भी हमारा मदुरई में है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ही फैसिलिटी है जो लगभग 600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनाई गई। इसमें लगभग 100% पानी रिसाइकिल किया जाता है। इसमें यूज होने वाली एनर्जी में से लगभग 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस से आती है। तो जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं एक बेहतर एनवायरमेंट क्रिएट करने की, हम अपनी एक्शंस में भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट ईटीपी के थ्रू होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बचा बाद बना हुआ पानी हम इंश्योर करते हैं रिसाइकिल किया जाए। इस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस हैं। तो अभी हमने इस पूरे सेशंस में समझा कि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी हैं, क्यों हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और उन हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी न्यूट्रलाइट ही क्यों, क्योंकि शायद वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स उसकी क्वालिटी, उसकी एफिकेसी और उससे जुड़ी प्रोसेसेस की वजह से है। साथ में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं और कहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसी के साथ हम आएंगे हमारे एक रोज के रूटीन हैबिट पर।
हम हर दिन एक नई हेल्दी हैबिट की बात करते हैं। आपने अब तक बहुत सारी हैबिट्स बनी की अपने आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको खाना ऐसे खाना चाहिए, आपको बैठकर पानी पीना चाहिए, आपको मॉर्निंग में खाना खाना चाहिए। आज एक मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो अपनी हैबिट डेवलप करें उसके लेबल्स को रीड करने की। मैं बहुत ही क्विकली आपको इसके थ्रू करूंगा, इसमें हम बहुत डिटेल्स में शायद ना जाएं, बट आपके पास एटलीस्ट 5 W's ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, इसका ब्रांड नेम क्या है, कौन सा ब्रांड आप यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि व्हाट क्वालिटी डोज द प्रोडक्ट कंटेन्स, इस प्रोडक्ट में कितना डोज आपको मिलने वाला है, क्या यह डोज जो आपको मिलने वाला है जो सर्व साइज एक टेबलेट एक डोज है या 2 टेबलेट एक डोज है या 1 चम्मच इसका डोज है, तो ये 1 चम्मच डोज क्या आपके लिए सच में जरूरी है, उसके लिए आप जरूर पढ़ें कि कितना है और RDA से उसे मैच करें। थर्ड पॉइंट है वाई टू टेक इट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मैं बात करूँ विटामिन सी की तो विटामिन सी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको समझने की जरूर कोशिश करें। और मुझे चौथा पॉइंट है कि कब कब ये बना, कब मुझे ये लेना चाहिए और कब ये एक्सपायर हो रहा है, इन सब के बारे में भी आप अपने प्रोडक्ट पे जरूर देख लें। अगर आपको लगता है कि आपकी विंडो अगले 3 महीने तक इस प्रोडक्ट को खत्म करने की, तो आप ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 6 महीने जरूर हो, तभी आपके लिए प्रोडक्ट बेहतर है। क्योंकि अगर आप उसकी एक्सपायरी के बाद उसे कंज्यूम करते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट से ज्यादा नुकसान होंगे। एंड एक और जो सबसे बड़ा वाय है वो है होम फॉर इंडिकेशन, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स विटामिन मिनरल्स। ये जो हम बात करते हैं रिकमेंडेड डोज, ये हमें जरूरी है कि किस किस को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस किस के लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन हो सकते हैं। आपने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अपने लोगों से मिलने के बाद आपने ये समझना है, इंश्योर करना है कि किस किस को हेल्थ सप्लीमेंट्स की, किस किस को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। आप लोगों को अवेयर करें अपने हेल्थ चेकअप्स के लिए, आप लोगों को अवेयर करें ये जानने के लिए कि वो जाने कि उनमें किन चीज़ों की कमी है। अर्ली एज में करना ज्यादा बेहतर है और फिर क्यों उन्हें ये प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। एक और छोटी सी डीप डाइविंग मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत शायद आपके काम है कि जब भी आप इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट पे उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्टिंग होती है, उस इंग्रेडिएंट में अगर आप देखेंगे तो जो भी सब्सटेंस या जो भी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है उसका नंबर सबसे पहले आता है, उसकी लिस्टिंग सबसे पहले होती है। जैसे मैंने एक रेंडम कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें लगभग आप शुगर देखेंगे, शुक्रोज शुगर या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अगर आप देखेंगे तो लगभग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही 14% के आसपास है, या उसमें अगर नून डेरी क्रीमर्स की हम बात करेंगे तो लगभग वो 5% के आसपास है। तो जो भी सब्सटेंस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया होगा उसकी लिस्टिंग सबसे पहले होगी, और जो सब्सटेंस कम मात्रा में यूज किए होंगे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये जरूरी है आप जाने कि इसमें कितने कलर्स मिले हुए हैं, कितने प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। हर एक बार आप अपने इंग्रेडिएंट लेबल को जरूर पढ़ें। जब भी आप 3 प्रोडक्ट्स अपने सामने पाएं तो आप उन तीनों प्रोडक्ट्स के लेबल्स को, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़कर ये समझने की कोशिश करें कि आप एक्चुअली एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ साथ और क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। एक चीज और है जहां पे हम बात करते हैं कि आप जब RDS की बात करें, परसेंटेज RDA, तो कई बार आप कहेंगे कि ओके मेरे प्रोडक्ट में इतना MG विटामिन ए है, इतना MCG विटामिन डी है, बट आपको ये जरूरी जानना है कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी परसेंट RDA रिक्वायरमेंट को कितना पूरा करता है। साइंटिफिकली ये जो सजेस्टेड है वो ये कहता है कि लगभग मिनिमम 20% के आसपास, लगभग 20% RDA रिक्वायरमेंट आपको पूरी मिलनी मिलनी चाहिए। अगर उससे भी कम अगर आपको RDA रिक्वायरमेंट वाला कोई प्रोडक्ट मिलता है तो शायद आपको उतने हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगा। तो आप देखेंगे कि राइट साइड में हमेशा RDA परसेंटेज लिखा होता है, उसके पहले उसका सर्व साइज और सर्व साइज से मिलने वाला कंपाउंड लिखा होता है। तो आप ये इंश्योर करें कि क्या आप सच में जो आपकी RDA रिक्वायरमेंट है उस RDA रिक्वायरमेंट का 20% या ज्यादा या RDA तक आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। फायदे क्या है इनके, फायदे जैसे जो जो फूड है, ऐसे ऐसे फूड्स को आप लेना शुरू करने में प्रोटीन ज्यादा हो, जिनमें फाइबर ज्यादा हो, जिनमें विटामिन एंड मिनरल ज्यादा हो, और जिनमें अगर आप बात करें तो लगभग 20% से ज्यादा RDA की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। हेल्दी फैट लेना शुरू करें, एटलीस्ट ये 4 प्रोडक्ट्स आपके लिए लाइफ में बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, फाइबर जो आपकी गट हेल्थ के लिए जरूरी है, विटामिन आपने पाया कि अपनी स्टडीज में हमने देखा कि वो विटामिन ज्यादातर फूड में वो बचता नहीं है, तो विटामिन की प्रोफाइलिंग जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि यार मल्टी विटामिन लेना शुरू करो, बट आप बस वो उतने ही दिन के लिए लेते हैं जितने दिन आप तबीयत खराब है, और बाद में उन्हें बंद कर देते हैं। आप ये नहीं जानते कि अगर ये विटामिन अगर आप लेते रहेंगे तो शायद आगे आपकी तबीयत खराब होगी ही नहीं।
किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, वो प्रोडक्ट्स जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो, वो भी सेचुरेटेड फैट, शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, हाई सोडियम वाले कंटेंट जिनमें हाई कैलोरीज हो, और रिफाइंड या हाई प्रोसेस्ड फूड, इनको आपको अवॉइड करना है ना। इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे आप बेहतर च्वाइसेस बनाने लगते हैं, आप प्रोडक्ट को बेहतर एवेल्यूएट करने लगते हैं, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं आप हर उस चीज़ के लिए जो आप कंज्यूम कर रहे हैं।